नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर आए हैं आपके सामने कि सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियां जो अनुवरत द्वार सूरत का एरिया, बेसू का एरिया है, सूरत पे पड़ता है, वहां पर दोनों साइड में ये कुछ गरीब लोग आके बसे हुए हैं जिनके पास ना घर है ना रहने के लिए कोई व्यवस्था है। रेलिंग के दोनों बाजू में ये अपना डेरा जमा के रखे हैं और रोड को इस तरीके ये क्रॉस करते हैं आँख को बंद करके, गाड़ियों को भी नहीं देखते कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, और 9 बजे के बाद ये पूरे रोड पे बिस्तर डाल के सो जाते हैं। गाड़ियों को जाने की जगह नहीं मिलती और अगर ड्राइवर हॉर्न बजाता है तो उनको ये आँख दिखाते हैं। हकीकत में तो ये है कि ये गरीब है ही नहीं, सामान्य निम्न वर्ग जो कमाता है उससे ज़्यादा इनकी कमाई है और इनकी कमाई का मुख्य जरिया है ये मंदिर के बाहर और गिरजाघर के बाहर या चर्च के बाहर, मस्जिद के बाहर ये भेष बदल बदल के मांगते रहते हैं। उसको हम भीख मांगना नहीं कहेंगे, लेकिन ये वहाँ पे मांगते हैं और उसी मांगने से इनका रोजी रोटी चलता है। इनके बच्चों के हाथों में मोबाइल 15-15, 20-20 हज़ार का है और ये यहाँ पे बने गरीब हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये किस तरीके से रोड के अंदर यहाँ सैकड़ों की तादाद में ये है और रोड के अंदर शाम को ये सो जाते हैं बिस्तर लगा के। और ये ऐसे ही नहीं है, ये इसमें से कुछ बेवड़े भी हैं जो नशे की हालत में हो जाते हैं शाम ढलते ही और रोड पे इधर उधर ड्रांस करना चालू कर देते हैं। और इस स्थिति में अगर दुर्घटना कोई बनती है, क्योंकि ये बहुत ही चालू रोड है, यहाँ पे हर मिनट पे एक गाड़ी दो गाड़ी निकलती रहती है, और अगर इसी स्थिति में कोई दुर्घटना बनती है यहाँ पे तो वो टाइम पे बहुत ही बुरी स्थिति होगी, क्योंकि ये 100-200 की तादाद में यहाँ रहते हैं, ड्राइवर के लिए भी अच्छा नहीं होगा वो समय और इनके लिए भी अच्छा नहीं होगा वो समय। तो मेरा ये एसएमसी से, सिटलिंग से ये निवेदन है कि इस विषय में कुछ किया जाना चाहिए। वैसे तो ये गरीब नहीं है, इनको यहाँ से हटाया भी जा सकता है, ये बिल्कुल पूरे तरीके से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये गरीबी की स्थिति में नहीं है। इनको यहाँ पे इस स्थिति में रहने पे सहानुभूति मिलती है समाज की, इनको खाने पीने का सामान मिल जाता है, और यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से रोड क्रॉस कर रहे हैं। ठंडी का मौसम आने वाला है और इनको बिस्तर मिलेगा यहाँ पे, बिस्तर के बाद इनको खाना पीना मिलता रहता है। आज भी मैं देखा था कि कुछ जो दाता धर्मी लोग हैं उन्होंने इनको लाके कम्बल और पहनने का सामान को गर्म स्वेटर वगैरह दिया। तो ये लोग बहुत गरीब नहीं है, कुछ बने गरीब है, लेकिन मेन बात रही ये कि ये इतना चालू रोड और रोड के बीचों बीच इनकी बस्ती, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर ये देखो, ये बच्चा बहुत ही अच्छी कंपनी का मोबाइल चला रहा है और हम कोशिश करेंगे कि इन सदस्यों में से किसी को निकाल के इनसे कुछ बात भी किया जाए और इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि हमारी इनसे बात हो सके और हम इनको अपना मैसेज पहुंचा सकें कि आप ऐसा ना करें, रोड के ऊपर कोई दुर्घटना किसी दिन बन सकती है। तो मित्रों, हमारे साथ आप बने रहिए और हम इनमें से किसी सदस्य को आमंत्रित करके बुला के हम उससे बात ज़रूर करेंगे और आपको कराएंगे कि ये किस तरीके से बिहेव यहाँ पर कर रहे हैं, और ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, देखिए कि उनका भी क्या कहना है और समझिए कि अगर कोई दुर्घटना बनती है तो किसकी गलती होती है। हाँ बोलो, फोटो क्यों निकाले तुम?
रास्ते के अंदर टहलते घूमते रहते हैं, बराबर है। अगर आप लोग कंट्रोल करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम ये वीडियो प्रशासन को भेजेंगे, बराबर है ना। फिर प्रशासन अपने ढंग से देखेगा। रेलिंग के अंदर किसी को अलाउ नहीं है कि यहाँ पे आप लोग रह रहे हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बराबर है। लेकिन हाँ, बच्चे रोड पे आते, लेकिन बच्चे रोड पे आते नहीं है यहाँ पे। मैं शाम को रात में देखा हूँ, खुद यहाँ चारपाई डाल के या वो बिस्तर डाल के रोड के अंदर सो जाते हैं। गाड़ी जाने की जगह नहीं रहती, गाड़ी बंद हो गई तो सोने का। हाँ बराबर है, लेकिन गाड़ी कितने बजे बंद होती है आपको पता है? 9-10 बजे। 9-10 बजे नहीं होती गाड़ी, 10:30 बजे के बाद बंद होती है। तो 10:30 बजे के बाद डाल के बैठो तब तो अच्छा है। उसके पहले अगर आप डाल के बैठेंगी तो फिर क्या होगा? नहीं, शाम को सबको बता देंगे। कौन सा बच्चा इधर रोड 10:30? अभी आपका बच्चा मैं देख रहा हूँ वहाँ खेल रहा है, ऐसा थोड़ी। अब किसका था वो, आप में से ही किसी का था? हाँ, शाम को मैं सबको बता दूंगा, कोई बच्चा आगे निकलने तो सबको यहाँ से भगा देंगे। हाँ ऐसा वीडियो करके बता। हाँ ऐसा वो बता देने का, इसीलिए मैं इसको रख रहा हूँ सेफ्टी के लिए। हमको लगा कि वीडियो क्यों कर रहे तो? अभी कभी कुछ हो जाएगा तो इसके लिए ये वीडियो मैं बना के रख रहा हूँ अपने लिए। एक्सीडेंट हुआ है पता है आपको, तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? इसके लिए मैं ये बना ले रहा हूँ और ये हमारे डेपो में जमा होगी। हमको ऊपर से ऑर्डर आया है कि ये बना के रखो वीडियो की, कौन कौन क्या क्या करता। अभी देखो कितने लोग टहल रहे हैं रोड के अंदर। अब ये मेला लगा हुआ है यहाँ पे, गाड़ी है उसकी ब्रेक लगी ना लगी फिर कौन जवाबदार होगा? और गाड़ियाँ सब टाइमिंग से चलती हैं, सब ड्राइवरों को चलाना पड़ता है टाइमिंग के हिसाब से, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा इस मामले में। बच्चों को सबको सबके घर पे बता देने का, सब अंदर रेलिंग के अंदर में रखे हैं, अंदर में बाहर में नहीं, बराबर है ना। हाँ हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप यहाँ रह रहे हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये चीज़ आप करिए सेफ्टी के साथ, नहीं तो कुछ हो जाएगा तो SMC भी आपकी सुनने वाली नहीं है और उल्टे आपको ही भगाएगी यहाँ से कि आप लोग ये प्रतिबंधित एरिया है, ये जहाँ बैरिकेडिंग लग गया इसके अंदर में आना 500 से लेकर 2000 तक का जुर्माना है, पैदल भी कोई आता है तो। आप ध्यान रखिए।